हेलो एवरीवन, तो एक शॉर्ट डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है बीएससी नर्सिंग के बारे में, कि जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या बीएससी नर्सिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं मेडिको डायनेमिक। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे जब मैंने बीएससी नर्सिंग करने की सोचा था। आई एम श्योर आपके मन में भी होंगे कि क्या मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, आगे इसके क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं, क्या क्या पढ़ना होगा। तो इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पार्ट वन में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, फीस, सिलेबस, इन सब के बारे में। और पार्ट टू होगा नर्सिंग के फ्यूचर स्कोप्स, और इसको अपन कंपेयर करेंगे दूसरे मेडिकल कोर्सेज के साथ। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। बीएससी नर्सिंग मतलब बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि INC के अंडर में आता है। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, तो सबसे पहले आपकी इसमें एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। और अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप 12th पास होने चाहिए विद PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी होता है। और इसमें आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए 12th के अंदर अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं। तो अब थर्ड और मेन पॉइंट आता है कि एडमिशन कैसे लें। एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेस दोनों पे होता है। आजकल मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ही हो रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है जून जुलाई के आसपास। अगर RUHS यूनिवर्सिटी को देखें तो वो थोड़ा लेट हो जाती है, सेप्टेम्बर अक्टूबर में निकल जाता है। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट करना होगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होंगे। तो अब 5th पॉइंट है सब्जेक्ट या फिर सिलेबस, कि आपको बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कौन कौन से ईयर में। तो आपको 1st ईयर में मेन 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, 2nd है नर्सिंग फाउंडेशन, 3rd है माइक्रोबायोलॉजी, 4th है साइकोलॉजी एंड 5th है न्यूट्रिशन एंड बायोकेम। इसके अलावा 1st ईयर में 3 और सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर, जिनमें भी पास होना कंपलसरी है। अब बात करें 2nd ईयर में, तो 2nd ईयर में पहला सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग Part 1, 2nd है फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, 3rd है सोशियोलॉजी, 4th है CHN Part 1, CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और 5th है CET मतलब कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये अपने सब्जेक्ट थे 2nd ईयर के। 3rd ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग Part 2, 2nd है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 3rd है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब बात की जाए 4th ईयर या फिर फाइनल ईयर की, तो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, 2nd है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग Part 2, 3rd है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, और लास्ट है एनवायरमेंटल स्टडी। अब बात कर लेते हैं अपन फीस स्ट्रक्चर की, कि कितना पैसा खर्च होगा अपना बीएससी नर्सिंग करने में। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो क्या फ़ीस होगी, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो क्या फ़ीस होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल OBC की अलग फ़ीस लगती है और STSC की अलग। तो अगर जनरल OBC की बात की जाए तो आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि 1st ईयर में 51,000 लगते हैं प्लस 10,000 कॉशन मनी, जो कि 4th ईयर में वापस हो जाता है। तो इसको मैंने टोटलिंग में काउंट नहीं किया है। तो 1st ईयर में 51,000, 2nd ईयर में 51,000, 3rd ईयर में 51,000 और 4th ईयर में 51,000। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल OBC की टोटल फ़ीस लगती है 2,04,000, और अगर बात की जाए STSC की तो उनकी 20,000 पर ईयर फीस है, और कॉजन मनी 10,000, जो कि 4th ईयर में वापस हो जाता है। तो अगर 20,000 के हिसाब से STSC की फ़ीस देखी जाए तो पूरा BSc नर्सिंग करने के 80,000 रुपीज़ लगते हैं STSC के गवर्नमेंट कॉलेज से। अब अपन बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज में STSC जनरल OBC सबकी सेम फीस है, जो कि है 70,000 पर ईयर, और इसमें भी 10,000 कॉजन मनी लगता है 1st ईयर में, जो कि 4th ईयर में वापस हो जाएगा आपको। तो अगर STSC जनरल OBC की प्राइवेट में फ़ीस देखी जाए पूरा BSc नर्सिंग करने की, तो वो होती है 2,80,000,
ये मैंने चार्ट दे दिया, इसमें आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि कैसे कैसे फ़ीस लगती है। तो ये सब था बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आपको अब भी कुछ डाउट्स हैं तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आके मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी कुछ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद।